Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, today's reading ka topic is your complete destiny. What is coming up in front of you? What is coming forward? Your love life, your career life, everything included. Okay, so here your name, initials. आपके ऑफिशियल नेम ओके सो पायल नंबर वन एंड पायल नंबर टू सो गाइज जो लोग इन ग्रुप चूज करते हैं ग्रुप नंबर वन आपके पास है रेड बलून बलून शेप है ये और पायल नंबर वन के पास है ये गोल्ड बलून ओके रेड एंड गोल्ड पायल वन एंड टू रिस्पेक्टिवली सो विच एवर इज़ कॉलिंग योर मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम्स टेम्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें एंड आई विल सी यू तैयार हेलो जी फाइल नंबर वन पहली ऑप्शन आपने चूज करी लेट सी यू माई अलाउ वट इज कम इन फॉर योर डेस्टिनी या डेस्टनी हैड आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी करियर लाइफ है दिस वो न सी द लव लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल ओ माई कॉड दिस इज़ नाउ एम्परेस ठीक है एम्परेस इज अ मेजर अरकाना कार्ड जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है एंड दिस इज सन एनर्जी अनदर मेजर अरकाना और and what is coming up in your love life ahead destiny chariot and three of cups बहुत ही ज़्यादा like बहुत ही bright cards निकल के आए हैं for your love life and I can see for pile number वन you are going to be winning your person अगर तो आप किसी के साथ connection में हैं या फिर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं आपके माइंड में कोई है तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी द वन डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी एंड यू विल डेफिनेटली मैरी दैट वेरी पर्सन ओके एंड एवर इफ यू आर नॉट यू आर एब्सोल्युटली सिंगल स्टिल आई कैन सी विद सन कार्ड के आपकी दिली ख्वाहिश आपकी मन चाहिए इच्छा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो भी आप चाहोगे फ्यूचर में दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन टू योर लाइफ एंड बींग योर हजबेंड और वाइफ एम्प्रेस एनर्जी के साथ आई थिंक पायल नंबर वन आपकी लव लाइफ में आप अपने पर्सन के दिल की मलिका हो गए राजकुमारी हो गए प्रिंसेज हो गए बिकॉज दिस इज़ एम्प्रेस और एम्प्रेस ना सिर्फ दिल की मलिका वाली बात नहीं है इतनी राजकुमारी वाली लेकिन शी इज़ द होल मैनेजर एम्प्रेस इज़ दी मैनेजर ओके सो इफ़ यू आर इन कनेक्शन विद सेमरी ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक यू इज़ होम अपने घर लेके जाएंगे और अपने घर का जो पूरा चार्ज है वो आपके पास होगा ठीक है एंड द चैरियट एनर्जी डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू विद ठीक है ये अपने साथ आपको लेकर के जाएंगे दिस इज़ व्हीकल दिस इज कार दिस इज़ ट्रेवल दिस इज़ एरोप्लेन मतलब कोई भी ऐसी व्हीकल जिसपे मतलब सफर ट्रेवल किया जा सकता है दैट इज़ दिस थिंग सो आई वही आपकी लव लाइफ में बहुत खुशियाँ होंगी थ्री ऑफ कप से हैपीनस सेलिब्रेशन इज़ कमिंग तो आई नो दिस थिंग के पायल वन समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन और ये जो हैपनिंग है दिस इज एपिसोलूटली लाइक अनएक्सपेक्टेड वन प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स लव लाइफ में टावर रिवर्स में आया है आई थिंक वो नीड टू टेक इट एज रिवर्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपके कोई फाइनेंशियल ज़रूरत कुछ आई थिंक आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है आपको कुछ किसी काम के लिए पैसे चाहिए ठीक है और यहाँ फिर आपको आपको शादी के लिए तो ऑफ़कोर्स पैसे चाहिए ही होते हैं शादी करने के लिए दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड आई बिलीव पाइल वन कोई मैकुलसली कोई पर्सन आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है या फिर कोई भी कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है ठीक है तो इसमें भी काफ़ी बेनिफिट होगा आपकी मतलब फ्यूचर में सेवन ऑफ पेंटिकल्स और कुछ कुछ सेविंग्स हैं इवन आपकी लव लाइफ के लिए भी आपकी शादी के लिए भी कुछ सेविंग्स करी हैं आपके पेरेंट्स ने उसको लेकर भी मतलब वो थोड़ी चिंता में हैं आपकी स्पेशली मदर इट्स ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बैलेंस्ड ओके क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड है आई um, थिंक आपके जो ससुराल वाले हैं ना वो लोग भी कोई इतने पम्प एंड शो वाले नहीं हैं कि ना उनको इतना कोई इतना धूम धड़का और बहुत ही पैर पैसे के लेविश स्पेंडिंग चाहिए है ठीक है देर ऑल्सो क्वाइट सिंपल पीपल टाइगर स्ट्रेंथ स्पेशली जो आपके स्पाउस हैं दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रांग स्टार हाँ देखो ना वंस इन अलियंज एंड मिलियंज of people this person is ये बहुत different person है आम लोगों से that is not a random person ये person जैसे ही आपकी life में आएगा आपके देख लेना जिसे बोलते हैं ना काया पलट जाना that is going to be ये person spiritual होगा ये person religious होगा and they know कि मतलब they absolutely know कि क्या कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं सिक्स ऑफ Swords अ गैन ट्रेवल ये इंसान आपको दूर ले जाएगा फाइल वन आई थिंक ये पर्सन इवन इनका जो घर है ये वहाँ से भी आपको दूर ले जाएंगे रीज़न कोई ये नहीं है कि इनकी कोई घर वालों से लड़ाई है रीज़न ये है कि मे भी इनका कोई प्रोफेशन ऐसा है ये रहते ही लद है या किसी और सिटी में और ये ना कोई करीब करीब नहीं है ये डेस्टिनी uh, आपकी ये आपकी डेस्टिनी कोई बहुत दूर है बहुत दूर का एरिया है और अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ कंट्री हो तो क्वाइट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन और लिटली लाइक आउट ऑफ योर कंट्री और फिर ओवरसीज़ ये सब चीज़ों की वाइब आई है ओके okay? तो आपकी लव लाइफ में आपका जाना किसी और कंट्री में uh, है पॉसिबल सो लेट्स चेक आउट कि कौन सी कंट्री हो सकती है यहाँ पर इंडिया ठीक है आप जिस भी कंट्री से हो ये इंडिया से हो सकते हैं यहाँ पर अगर आप इंडिया से ही हो तो मे बी दिस इज़ अनदर सिटी ऑफ इंडिया लेकिन ये बहुत दूर है आपको एरोप्लेन पे जाना पड़ेगा यहाँ पर मतलब काफ़ी घंटों का सफ़र होगा ये साउथ कोरिया यू ए दुबई या इस तरह का कतर बहरेन कैनेडा ये चार कंट्रीज में दिख रहे हैं इंडिया साउथ कोरिया यू और कैनेडा ठीक है सो दिस इज वट आई कैन सी फॉर योर लव लाइफ लेट्स सी फ्रॉम आवर एक के लव लाइफ में आपके क्या है क्या रहा है ग्रुप नंबर वन से फॉर यू टू लव ये पर्सन बहुत जेंटल मैन है और बहुत मतलब ये लोग कोई डेंजरस लोग नहीं है ठीक है या ये नहीं है कि आपका मतलब लिटरली आप एक्सप्लोर्ड करेंगे एक दफ़ा आपको ले गए घर से दूर क्योंकि आई थिंक आप लोग थोड़े से ना वो हो जाओगे इनसेर कि ये तो मुझे दूर लेके जा रहे होंगे आप घर से बहुत दूर लेके जाएंगे ये और आई थिंक आप इतना दूर कभी पहले गई नहीं होगी और आप ज़रा घबराएगा ऑब्वियसली कोई भी हो तो वो भी लाइक लिटरली एंक्शियस तो होगा एक दफ़ा सोच तो आती है कि घर से इतनी दूर चली जाऊँगी अगला कैसा से लुक करे कैसा ना करे ठीक है स्पेशली आपके पेरेंट्स को ये बेशक वहाँ आपके सामने ना कहें लेकिन यू ना वो पेरेंट्स आर पेरेंट्स उनको तो ये चीज़ खाएगी अंदर से कि क्या है इन्वेस्टिगेशन करो कौन है क्या है ठीक है लेकिन दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम गॉड कि इट इज़ एब्सोलूटली सेफ सो आई थिंक आपको फेथ रखना चाहिए यू नीड टू प्रोसीड हियर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यू हैव नोन ई चर ई चर बिफोर ठीक है इधर आप इसको जानते हैं ठीक है यहाँ या, या आपकी फैमिली से ही किसी तरह से कनेक्टेड है ये पर्सन आप इसको जानते हो और आई थिंक बचपन से जानते हो या फिर हो सकता है पाइल नंबर वन या आपकी मॉम की फ्रेंड से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपकी मोम की कोई फ्रेंड उनकी फैमिली या उनके को जानने वाले हो सकते हैं एनीवेज इस पर्सन को आप काफ़ी देर से जानते हैं दैट पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ ओके सो फ्री योर सेल्फ इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके पायल वन क्योंकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दैट इज़ फ्रीडम आपको फ्रीडम मिलने वाली है यू आर गेटिंग फ्रीडम इन वट एवर वे चाहे जो भी हो जाए ग्रुप वन नेवर लूज होप क्योंकि आपके लिए आगे पॉजिटिविटी में देख रही हूँ सही है लेट्स सी योर फ्यूचर लव वाइब क्या वाइब है आपके और आपके लवर के इकट्ठे गेअल्ट सो so, गिल्ट है आपको कुछ अपने लिए में भी इनसिक्योरिटी या फिर आपके अपने स्पाउस को लेके कुछ इनसिक्योरिटी है या आपको लगता है कि ऐसे नेगेटिव थिंकिंग करते हो कि शायद मेरे लिए कुछ रखा नहीं है गॉड ने ऐसा कुछ नहीं है पर आपको विश्वास रखना चाहिए और ये कनेक्शन भी ट्रस्ट पर बिल्डअ होगा क्योंकि ग्रुप वन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मे बी ये लव मैरिज ना हो ठीक है प्लीज़ डोंट गेट अफ्रेड या परेशान नहीं होना कि मैं किसी से प्यार करती हूँ मेरी लव मैरिज नहीं होगी इट्स नॉट लाइक दैट लेकिन इट्स इट्स लाइक कि मैरिज ऐसी है कि इसमें बड़ों का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा है वो इंटरफेयर करेंगे इवन इफ इट इज़ योर चॉइस पर्सन लेकिन आप अपने एल्डर्स को निकाल के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते ठीक है वो इंटरफेयर करेंगे वो मानेंगे वो मतलब बातें करेंगे और लिटरली वो ही डिसाइड करेंगे आई एम सॉरी अगर ये आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही बट आई कैन सी ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ योर फैमिली प्रेयर ठीक है सो प्रे और इस कनेक्शन में भी मुझे लगता है ये पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल या रिलीजियस है इसका हाई लेवल है हाई कनेक्शन है गॉड के साथ सो दिस इज़ वट आई कैन सी सोल मेट ठीक है ओके ये सोल मेट की जो एनर्जी होती है ना दैट इज़ कि जिस के लिटरली पीछे सारी दुनिया होती है और लेकिन ये आपके पीछे होता है ये होता है सोल मेट इसको इतनी ज़्यादा नहीं इससे गर्ज होती कि आप दिखते कैसे हो कितने सुंदर हो कितने क्या हो क्या नहीं ठीक है दैट पर्सन इज़ ओनली आफ्टर योर सोल क्यों खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि वाय आई वॉन्ट दिस पर्सन ये सोल टू सोल कनेक्शन है ये सोल टू सोल्ट आई है ओके मी रेक क्लेम दिस मेरे कल राइट ना ओके जब भी ये कार्ड आता है मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि क्लेम क्लेम दिस मेरे कल क्योंकि कभी कभी कार्ड आता है सो दिस इज मेरे कल अगर आप किसी को पसंद करते हो अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो यू नीट टू क्लेम दिस मेरे कल ओके सो लेट्स मूव अहेड एंड सी ग्रुप नंबर वन क्या आपकी करियर रीडिंग क्या है किस्मत में आके क्या है आपके करियर के ओके गार्डन एंड द गेट हो सकता है आप अप अपने करियर को परस्यू करने के लिए यहाँ तक तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो यहाँ पर कोई नया काम शुरू करने वाले हो यू आर राइट जस्ट राइट स्टैंडिंग ऑन द गेट गेट के सामने बिल्कुल आप खड़े हो और आपको समझ नहीं आ रही लिटरली यू आर होल्डिंग ऑल दैट स्टाफ जो भी आपको चाहिए सामान वगैरह वहाँ पर आ, करने के लिए बट यू डू नॉट नो कि मुझे यहाँ पर सफलता मिलेगी या नहीं बट यू आर रेडी फॉर दैट सो ये बहुत ही अच्छा मतलब जिसे बोलते हैं ना साइन है आपके लिए कि यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस ईयर ओके या मे भी आपने कोई एग्जाम देना है और आप लिटरली यू आर इन अ मिडल सिचुएशन मैन होल्डिंग हार्ट दिल से काम करो समझ में आया दिल से बचे काम करो आ देखो आपका करियर जो भी है जो भी नहीं है लिटरली अगर जब तक आप हार्ट और सोल अपना नहीं डालोगे ना यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस मैं ऐसे आपको झूठ बोलूँगा कार्ड्स में यही है कि हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी और अगर आपने ना किया हार्ड वर्क तो रिजल्ट उसके ऑपजिट होगा ठीक है एड जस्ट इम्पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए एक नहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दस दस बीस बीस दरवाजे खुलेगे डोर्स ओपन होंगे लेकिन ऑल यू हैव टू डू इट सो स्टेप फॉरवर्ड आई डोंट नो मे बी आप कौन सा भी करियर लाइक लिटरली आप बहुत सारे लोग कितना कौन सा आप करियर परस्यू करते हो कुछ लोग मेडिकल में जाना चाहेंगे कुछ लोग गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफिस में करेंगे कुछ लोग मे बी बिजनेस में जाना चाहते हैं कुछ लोग मॉडलिंग एक्टिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूज़िक में लिटरली आप ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टेप फॉरवर्ड एवरी थिंग विल आउट फॉर यू जो आप चाहते हो वो वर्कआउट होगा लेकिन अगर आपने मन से दिल लगा के काम करा तो ठीक है द वर्ल्ड इवन इफ़ यू वांट अ वर्ल्ड लेवल फेम अगर आपका है ऐसा कुछ इरादा ठीक है ऐसा कुछ है आपकी इच्छा है आपका कोई प्रार्थना है ऐसी कोई परेश्रेय है लिटरली दिस थिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर यू द वर्ल्ड कार्ड इज़ अ वर्ल्ड वाइड कार्ड ठीक है और अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है मे बी आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो बिकॉज आई कैन सी इंटरनेशनल फेम इंटरनेशनल सर्कल मतलब ना मतलब लाजमी नहीं कि आपका इंटरनेशनल फेम हो लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड वाइड हो सकता है ठीक है तो so ये एलेवन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरन हो इलेवन नंबर क्यों आपके लिए किस तरह सिग्निफिकेंट है मे भी टू थाउजेंड इलेवन में कुछ हुआ था या फिर एलेवन नवम्बर में कुछ हुआ था लास्ट नवम्बर में आपने कुछ मेरे ख़्याल में, में कोई फॉर्म फिल किया था या कुछ आ, आपने रेंज आपने ना वो किया था उन्हें आप प्लान बनाया था लास्ट नवंबर कि मैं ये करूँगी तो मैं वो प्लान करूँगी हमें भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया हो दैट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग आउट फॉर यू ओके विक्ट्री आई नो दिस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कार्ड लिटरली अव माई गाश मुझे लगता है आई हैव मैनिफेस्टेड दिस कार्ड फॉर यू पाई नंबर वन योर ने टू क्लेम दिस विक्ट्री मैं मैं चाह रही थी कि आपका करियर आ, का है ये मामला तो विक्ट्री कार्ड अगर निकल आए तो कितना ही अच्छा हो एंड अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पर ट्वेंटी एट नंबर है मैं पहले भी मेरे ख्याल में कल परसों की जो रीडिंग थी आपने शायद सुनी हो उसमें भी मैंने बताया था कि ट्वेंटी एट नंबर जो है वो वेल्थ का कार्ड होता है सॉरी वेल्थ का नंबर होता है ठीक है और जो लोग ट्वेंटी एट को पैदा भी होते हैं ना डेट को वो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल और रिच हो जाती है सो दिस इज़ अ मास्टर नंबर ही बोल लो आप इसको ठीक है सो यू आर गोइंग टू गेट विक्ट्री वन वर्ल्ड वाइड पी ठीक है मैन होल्डिंग अ कोइन हाउ मच सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी ये आपकी किस्मत में है ओके अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है तो यू नीड टू स्ट्रॉग योर वीनेस में पहली दफ़ा भी बहुत बता चुकी हुई हूँ वी आर लाइट पिंक्स वी आर वाइट कलर्स ओके और अगर आपको अपना करियर में आगे जाना है मार्क्स स्ट्रॉन्ग करो मरकर दिमाग लगाओ ओके सो दिस इज़ वट आई कैन सी हॉस्टेलिटीज़ ये तो होंगी हॉस्टेलिटीज़ होंगी मैं पहले भी बताती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि इतनी हमारा मैस लेवल पर ह्यूज लेवल पर अगर आपको विक्ट्री मिल रही है तो कौन नहीं जो है वो जैलस होगा आपके रिलेटिव्स आपके जो नेबरहुड है सारी ठीक है ना बस वो तो क्योंकि आई थिंक मुझे आई आई डॉन नो वाइड्स द चैनल मैसेज कि आप लोग यहाँ नहीं रहोगे इस कंट्री में जहाँ आप हो आई थिंक आपका जॉब वगैरह कोई हो जाएगा बाहर की कंट्री में और आप अपने फैमिली uh, को बुला लोगे बाहर अपनी मॉम डैड को सिबलिंग्स को सबको आप लोग बाहर शिफ्ट हो जाओगे ठीक है मैं फॉरन कंट्रीज़ को अच्छा नहीं कह रही या आपकी कंट्री को ये नहीं कह रही कि यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन मैं आपको वैसे ही बात बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप हाँ वहाँ किसी और कंट्री में काम शुरू करो अक्सर ऐसा होता है कि हम हाँ जहाँ पर करंटली बैठे हुए होते हैं वहाँ हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा होता ठीक है सो दैट्स वाई समाइम्स हमें हमारी जगह चेंज करनी पड़ती है सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वुड बी फॉर पाइल नंबर टू सॉरी पाइल नंबर वन राइट आई जस्ट वोना चेक आउट वन कार्ड फ्रॉम द गॉड आपके लिए क्या मैसेज है इनर गोडस um, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यू आर मैनिफेस्टर, ठीक है और गॉड का भी ये मैसेज है वे किन द गॉडस विद इन यू थ्रू डांस सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी, ठीक है किसी पर डिपेंड ना करो आप खुद बहुत इनफ हो याद रखना मेरी बात और कोई आपकी हेल्प करेगा भी नहीं is happening right right so that's it for today group one I'll see you tomorrow or day after tomorrow you have to take care of yourself I'll see you next time take care bye hey my love welcome file number two the second option choose so guys this is your complete destiny reading आपकी लव लाइफ वर्सेस योर करियर लाइफ ओके लेट्स सी व्हाट कम्स आप हम स्टार्ट करेंगे लव रीडिंग से सो स्टे काम टेक डीप ब्रेथ एंड अलाइन विद द यूनिवर्स एंजाइटी को पीछे रख दो और ये है कि पॉजिटिव सोचो ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा और जस्ट काम डाउन जो न्स ठीक है अभी तक जो हुआ है ये बात आप ले पर बांध लो कि अभी तक जो भी हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए ही हुआ है ठीक है सो लेट स्टार्ट द रीडिंग पायल नंबर वन लव रीडिंग टेन ऑफ वॉन्स वट इज कमिंग हेड टू ऑफ सो मैथिशन टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे मतलब दो टूस के कार्ड्स हैं मतलब समथिंग ऑन होल्ड मतलब आई थिंक आपको कोई डिसीजन लेना है आपको कुछ चीज़ डिसाइड करनी है बट यू आर अनएबल टू डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस आप उसके बारे में सोचते हो और बर्डन लेते हो अपनी लव लाइफ के बारे में या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कोई शायद है आपके माइंड में कि वो आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं वो आपसे शादी करेगा कि नहीं या फिर आपको यह है कि पता नहीं वो किसी और के किस साथ कनेक्शन में है या नहीं ठीक है इस तरह सोच के विद मंजन एनर्जी आप अपनी पावर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को लूज़ कर रहे हो ठीक है आपको इन सोचों से बाहर आना चाहिए अदरवाइज़ यह आपको यूसी इस तरह से आप कमर चुका देंगी और लिटरली आप किसी काम के नहीं रहोगे ये लव लाइफ में अकेलापन लोनलीनेस जो आपकी सिचुएशन है अभी ये आपके लिए हेल्दी नहीं है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं ये एनर्जी निकल के आई है मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट आजकल कोई परेशानी है दिक्कत है आपके फिज़िकल बॉडी को उसकी वजह भी यही टेंशन है ठीक है या ओवर थिंकिंग है या फिर हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए फिज़िकली ठीक है आपको पता नहीं है टेंशन जो है वो टेंशन मेंटल स्ट्रेस सौ बीमारियों के रीज़न है और हम समझते हैं जी फल उस चीज़ की वजह से हमें बीमारी लगी ये हो गया वो हो गया ठीक है और अगर हम खुश रहें अगर हम पॉजिटिव रहें ना तो हम बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं ये बहुत मतलब हज़ार क्योरस का एक ये ठीक है फ्लेक्सिविट इज कमिंग अप इन योर लव लाइफ दिस इज़ वर्ल्ड एनर्जी नाइट ऑफ सोड्स जैसे ही जैसे ही आपने ओवरथिंकिंग खत्म की पालटू ऐसे चुटकी में चमत्कार होगा नाइट ऑफ सोर्ड बहुत फास्ट कार्ड है अगर आपके लिए अभी तक प्लेसिंग को रुकी हुई है या आपको ऐसे लगता है कि मतलब मेरी वो फलाँ दुआ जो है मेरी फलाँ प्रार्थना मेरी पूरी नहीं हुई ठीक है या फिर मेरा काम रुक जाता है हर दफ़ा हाँ मैं भी कोई वीजे का भी मसला है कुछ फंसा हुआ है उसकी वजह सिर्फ ओवर थिंकिंग आप उसके बारे में सोच जा रहे हो सोच जा रहे हो और आपको रात को, को नींद नहीं आ रही ठीक है यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढने की वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हो वो सुलझ नहीं रही है रीज़न यही है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेशर डाल रहे हो उसकी वजह से आप नहीं आगे बढ़ पाओगे और वो चीज़ आपके पास नहीं आ जाएगी आ सकेगी उसको ब्लॉकेज लग जाएगा ठीक है क्योंकि तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे ही आपने सोचे चोरी जैसे ही आपने यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट वेरी सिचुएशन ऑफ नेगेटिव थिंकिंग स्टफ लाइक दैट वर्ल्ड एनर्जी लिटरली चमत्कार होगा आप वो चीज़ ख़ुद आपके पास आएगी मेरा मतलब है ख़ुद आपके तरले करेगी वो इंसान है वो कुछ चीज़ है वो खुद आके आपके पाओ में गिरेगी कि भाई मुझे रख लो मुझे ले लो कोई जॉब है तो मुझे मतलब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ पैसा है वो आपके पास आएगा पर्सन है वो आपके पास आएगा डिसपॉइंटमेंट hmm. आपकी ये सारी ना उम्मीदी डिसअपॉइंटमेंट है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है प्रिंसेज ऑफ सोट्स आप कुछ और हो पाइल नंबर टू अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जब बचपन में थे जब आप छोटे थे तो जब ये टेंशनस नहीं थी आपको तो आप बहुत अच्छे वाले बच्चे लाइक लिटरी बहुत चलाक बहुत शरारती चलाक नहीं मतलब शरारती बच्चे होते ना वो वाले थे या बहुत तेज़ थे यहाँ ऐसे लोग कहते थे कि ये बहुत वाइब्रेंट बच्चा है ये बहुत ब्राइट बच्चा है या ये बहुत आप भागते थे बहुत तेज़ी से यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे इस तरह की आप लिटरली बहुत पॉजिटिव आप में वाइब्स थी रीज़न क्या था रीज़न यही था कि आपको तब टेंशनस ये नहीं थी आपको ये सब रहे मसले पड़े नहीं थे तब तक ठीक है जैसे ही इन, इन आ, मसलों ने आपके ऊपर हमला किया यू गॉट वीक ओके और जैसे आप वीक हुए आपसे ब्लेसिंग्स या तो छीन ली गई हैं या फिर आपको कभी मिली ही नहीं जो किस्मत में थी सो so, मैं क्या कह सकती हूँ अगर आप अपने ऊपर से खुद आ, जो तारे किया हुआ है वो नहीं आ, अगर उतार रहे थ्री ऑफ कप्स देखो देखो आपके आपको अगर लगता है ना मेरी किस्मत में कुछ नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो गॉड ने लिखी भी आपके किस्मत में सेलिब्रेशन आपकी किस्मत में हंसना खेलना हल्ला गुल्ला डांस इन्जॉयमेंट लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में इनको ला नहीं पा रहे हो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक थिंग सी व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत तो आपके साथ है ये दस नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ़ फॉर्चून किस्मत आपके साथ है और डिवाइन टाइम भी आया है लिटल डिवाइन टाइम हैज़ अराइव्ड ये काम आ चुका हुआ डिवाइन टाइमिंग और आप काफ़ी लकी हो इस चीज़ को लेकर ठीक है और ये मतलब ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रही है ये भी आपकी लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगे दिस इज़ हंड्रेड एंड टेन परसेंट आई एम श्योर योर लव लाइफ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है पार नंबर टू ये पर्सन शुरू से इतने रिच ना हो आपके लिए पाउज है ठीक है हो सकता है शुरू से इतने ज़्यादा रिच ना हो लेकिन ये पर्सन लकी बहुत है ये जिस काम में हाथ डालता है वह सोना बन जाता है ठीक है तो भी सेल्फ मेड पर्सन है इसके पास अपने पेरेंट्स की कोई जमा की भी दौलत नहीं है बट इस कमन हैड इन योर लव लाइफ नाइन ऑफ कप्स लेकिन आप लोग मतलब शादी जब आप दोनों की हो जाएगी ना उसके बाद कुछ सालों बाद आप लोग बहुत रिच हो जाओगे अपने बलबूते पे हो सकता है आप इनकी कोई हेल्प करो आगे बढ़ने में ठीक है और इस तरह मतलब फ्यूचर को देखने में सेवन ऑफ सोर्ड्स इनके मे uh, भी इनके ना सिब्लिंग्स या जो भाई हैं ना या रेलेटिवस ठीक है वो इतने अच्छे नहीं हैं इनके साथ मतलब वो बैक स्टैबिंग वाले लोग नहीं होते धोखेबाज़ ठीक है तो उनके साथ इनको इनके अपनों ने कभी बहुत ज़्यादा इनको धोखा दिया होगा जिसको लेकर के इनको ट्रस्ट इशूज़ भी हो गए थे फिर राइट तो ये पर्सन खुश नहीं है अपनी फैमिली से या अपने रिलेटिव्स से Hmm, हो सकता है आपको ले कर रहे भी अलहदा कहीं और दूर सेवन ऑफ कप्स बहुत सारी जगह ये पर्सन घुमाएगा आपको एक जगह आप लोग आप लोग नहीं रहोगे सो so, अगर आप ये सोच रहे ना मैं एक जगह पर रहूँगी मेरा घर है मैं उसे जाऊँगी उसको ये है वो है हमेशा उसमें रहेंगे मेरे बच्चे वहीं पैदा होंगे और फिर मैं उनकी शादियाँ करूँगी और फिर उनके बच्चे वहीं पैदा होंगे दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन तो ये पर्सन यहाँ तो उनका रियल इस्टेट का काम है इनके पास बहुत सारे घर होंगे ये घर बेचते हैं ख़रीदते हैं बेचते हैं खरीदते हैं यहाँ पर मे बी दिस पर्सन इज़ आ डेट गवर्नमेंट ऑफिशल कि उनको यू टाइम टू टाइम पोस्टिंग के हिसाब से घर बदलना पड़ता है सो मे बी इन द ओल्डर एज आप लोग बना लो अपना घर या मे भी जो प्लॉट्स वगैरह लिया हो पहले से ही उसको उसके ऊपर बिल्डिंग बनवा लो लेकिन <laughs> जवानी के जो आपके सारे साल हैं ना दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग लाइक यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ट्रैवल और सो एनी वेज मून लेकिन है ही आपके बहुत पसंद का पर्सन होगा ये बात याद रखना यहाँ पे कैंसर आ, की एनर्जी है मतलब ये इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हो अटैच थे अटैच हो और आप इस पर्सन को जाने भी नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी से और बहुत हाई चांसेस है यहाँ पर एट्टी टू नाइन्टी परसेंट चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो या लव का अरेंज हो ठीक है क्योंकि पसंद बहुत हो आप एक दूसरे को ये भी बड़ा ही लग, लिटरली जिसे बोलते हैं ना नस्ली बच्चा है मतलब जैसा का टाइगर आपके लिए स्टैंड लेना और लिटरली ये आपको ओन करेगा प्रोटेक्ट करेगा और कोई आपको ज़रा देखे तो बुरी नज़र से ओके लेट्स सी पायल नंबर टू के करियर में क्या चीज़ें निकल के आती हैं करियर ओरिएंटेड अगर आप हैं या अपने करियर रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं Let's see, आपके करियर में क्या है ओके दिस इज़ रेस्ट एंड रिज सो आपको अपने करियर को इतना ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना चाहिए इतना कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को करे डिस्टर्ब आपकी रूह आपकी आत्मा आपकी सोल इस टाइम रिलैक्स मांग रही है रेस्ट मांग रही है मेडिटेशन मांग, मांग रही है और आपको उसको ड्यू टाइम देना चाहिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके नज़दीक है एग्ज़ाम ठीक है या आपको बिज़नेस शुरू बिज़नेस आप कर रहे हैं जो भी यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक चाहे एक दिन का दो दिन का तीन दिन का शॉर्ट ब्रेक आप दो तो ताकि री एनर्जाइज हो सको यू आर टू बर्नट आउट ओके दूसरी बात यह है कि मे बी मैं अगर आप पॉसिबिलिटी है आई डोंट नो हाँ आपके यू नो फैमिली पे डिपेंड करता है फैमिली कल्चर पर या सिचुएशन पर अगर आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है या हिल स्टेशन पर जा सकते हो तो यू ज़रूर जाओ अगर नहीं इट्स ओके घर के बाहर जो पेड़ होते हैं ट्री होते हैं पौधे होते हैं ठीक है यू कैन लिटरली सिट देयर टेक पॉजिटिविटी टेक हीलिंग बहुत आप थक चुके हो करियर तो ठीक है आई जैस वोन सी क्योंकि आपके लिए अबंडेंस है ब्लोसमिंग है स्पेशली द कमिंग मार्च अभी आयरन हो अब रिडिंग का देख रहे हो आई एम पोस्टिंग इट इन अप्रैल ठीक है तो मे uh, बी जो प्रीवियस मार्च था प्रीवियस मार्च उसमें आपने कुछ नए शुरुआत की है अपने करियर को लेकर के या आपने कोई फॉर्म भरा या कहीं सी कुछ ही शुरू किया है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल एन बी बहुत सारी जेलस आँखें हैं आपके आस पास ये बता दूँ मैं आपको यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट हूँ बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग बिजनेस मैन हो बिज़नेस वुमेन हो ठीक है बहुत सक्सेसफुल हो तो ये मैं आपको बता दूँ आपके आस पास बहुत ज़्यादा एन बी एस जेलस आइज़ हैं यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी कि प्रॉब्लम हो जाएगी ईवेल आई से बचने के लिए यू नीड टू डू रेमिडीज़ यहाँ फिर आप बताओ ही ना किसी को कि आप क्या कर रहे हो ठीक है और लोग जैसे ही आपको देखते हैं कि अच्छा ये तो अच्छा कमाने लग जाएगी अच्छा उसका अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा लोग साथ ही शुरू हो जाते हैं ठीक है बेहतर है किसी को बताओ ही ना एंड मौके पर जब चांद चढ़ता है ना सब देख लेते हैं तो दिस इज गार्डन एंड द गेट आप बिल्कुल एज पर हो फाइल नंबर टू बिल्कुल एच पर हो अपने सक्सेस के यहाँ से गिव अप मत करना मैं आपको बड़ी स्ट्रांग वार्निंग दे रही हूँ कि यहाँ से कि गिव मत करना यहाँ पर मत छोड़ कर जाना अपने करियर को क्योंकि तो ये ब्रेक थ्रू है यू कैन सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द गेट इस गेट को छोड़कर मत जाना अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी ओके इज इट ओके डियर so let's see what else walking away maybe आप किसी और कंट्री में जा रहे हो ये जगह छोड़ के आप अपने किसी और कंट्री में विज़िट करने जा रहे हो स्टडी के सिलसिले में या मे भी शादी करके वहाँ पर कोई नया करियर प्रस्यू करोगे सो लेट मी चेकआउट ज़रा कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं आपके लिए पहली कंट्री है जी इंग्लैंड साउथ एशिया की कोई कंट्री हो सकती है यूरोप यूरोप पूरा ही आ रहा है यहाँ पर फ्रांस ये भी यूरोप का ही कंट्री है सो so, यूरोप काफ़ी आपकी रेटिंग में प्रोमिनेंट है इसके अलावा कैनेडा कौन सी कंट्रीज़ हो सकती हैं इंडोनेशिया कंट्रीज हो सकती है रशिया एंड रोमानिया आई जस्ट वन कार्ड आई डोंट नो बट दिस इज यूएसए यूएसए ओके दिस गुड बी द प्रोमिनेंट कंट्रीज जहाँ अपना करियर जो हो आप स्टार्ट कर सकते हो करियर को जो है वो परस्यू कर सकते हो so let's see more what else is okay let me change the deck first of all and see what expect a miracle okay have faith have faith that your prayers have been heard and are being answered okay faith rakhna this mother mary card this is an absolute miracle card also you see कलेम दिस मेरे कल कल लेम दिस मेरे कल अगर आपका कोई काम रुका हुआ है ना सो में वो होगा फॉर एग्जाम्पल कोई वीज़ा प्रॉब्लम है कोई रिजल्ट आना है कोई यू नो करियर में कोई जॉब आपको टेंशन है का रिजेक्ट ना हो जाए नो 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 दिस इज नेवर गो हैपन आपका काम रेकुलसली होगा जस्ट हैव देथ प्योरीफिकेशन देखो मैंने आपको पहले बताया ना कि आपके सोल को कलेंसिंग की ज़रूरत है रेस्ट की ज़रूरत है ओके सो so अब ये है कि अब आप मुझे जी करियर का क्या ताल्लुक है आपकी मेरी सोल से ठीक है जब तक आपकी सोल हील नहीं होगी आपका माइंड रिलैक्स सेशन में नहीं आएगा ठीक है और अगर आपका माइंड रिलैक्स में नहीं आया तो सोच लो आप कैसे करियर परस्यू करोगे कैसे अपना दिमाग लगाओगे हाँ कैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करोगे वहाँ जॉब में भी जाके आप उल्टा सीधे करोगे वो तो फिर राजा ज़ाहिर है वो तो फायर कर देंगे कि भाई जाओ हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए चाहिए ना अनडाइंग लव देखो आप अनकंडीशनल से पर्सन हो ठीक है ये तो मुझे हंड्रेड परसेंट या श्योर हो गया है आप लोगों को अनकंडीशनल लव देते हो कि भाई उस बदले में कुछ आप हाँ चाहते नहीं हो बदले में आप कुछ उनसे मांगते नहीं हो चाहिए और यही आपकी स्ट्रेंग और यही आपकी वीकनेस है एचुअल में कहते हैं वही हो जो गॉड को पसंद है लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं गलत आपके जितनी प्योर सोल है ना उस हिसाब से आपको हमेशा दुख ही मिला है और आप ना एक आप में एक वो आदत है कि आप सबको समझते हो कि सारे मेरे वो है वेल विशर है ठीक है आप सब में बराबर की मोहब्बत प्यार जो है वो बांटते देते हो और बदले में आपको कोई इस तरह से ट्रीट नहीं करता ये आपका सबसे बड़ी वो है दुख है आपको सो एनी सेक्रेट स्पेस यू गॉड आपको कह रहे हैं कि आप उनके बहुत करीब हो के आप गॉड के बहुत करीब हो और गॉड आपके सारी प्लेस जो आप करते हो वो खुद सुनते हैं ठीक है आपको गॉड बहुत अलहदा मानते हैं लाइक लिटरली यू आर डिफरेंट फ्राम अदर पीपल राइट right? दूसरी बात है कि आपके लिए गॉड का एक और मैसेज है दे इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन कि चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की या फोर्स ना करो कि चीज़ें हों ही हों एवरी थिंग इज अकरिंग इन अ परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग हर चीज़ अपने टाइम पर होगी ओके okay? ये बात जो है ना आप याद रखना उससे पहले ना पहले कुछ हो सकता है ना बाद में फेयरनेस और आप जितना मेहनत कर लोगे अपने करियर में उतना आपको उसका फल मिल जाएगा ये फेयरनेस का कार्ड है and it says this situation will be handled in a fair and just manner ठीक है तो फेयर होगा आपने अगर अच्छे जो है वो मेहनत करी है तो आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा ओके और बहुत बड़े फॉर्म में मिलेगा इन अ वेरी बिगर फॉर्म इतना क्यों लिटरली आपका जो रिलेटिव्स लोग हैं दे गेट एक्सट्रीमली चैलस ऑफ योर सक्सेस ओके So, I hope you enjoyed your reading. I'll see you in my next video. Until next time, take care of yourself. See you. Bye bye. Love you.